आज मैं आपको आलू और पनीर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने आलू को भी काट के अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। कि फ्रेंड, हमने तेल को डाल लिया है और अब हम पनीर को फ्राई करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, हमने कम आंच में पनीर को भूनना शुरू कर दिया है। अब हम इसको हल्के हल्के आंच से थोड़ी देर के लिए ऐसे भूनते रहेंगे। देखिए, हमारा पनीर तेल में फ्राई हो रहा है और लगभग लगभग तैयार हो चुका है। देखिए, हम पनीर को निकाल रहे हैं। देख सकते हैं, हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट एंड क्रंची बन चुका है। एकदम नरम और मस्त कड़ा कड़ा मस्त सॉफ्ट एंड क्रंची बन चुका है। और ये हमारा आलू, हम अपने आलू को तल ले रहे हैं। देखें, अभी हम पनीर की ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर। इसके लिए हम दालचीनी, थोड़ा सा इलायची और लौंग यूज़ करेंगे। एक तरफ हम आलू को फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ हम पनीर की ग्रेवी को तैयार करेंगे। अब हम इसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आलू को हम थोड़ा गोल्डन कलर होते तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं, हम इसको फ्राई कर रहे हैं जब तक ये गोल्डन नहीं होता तब तक। देख सकते हैं, अब हमारा आलू और पनीर फ्राई हो चुका है एकदम अच्छे से। अब देख सकते हैं, हम तेल में थोड़ा जीरा, तेज पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा लौंग भी डाल रहे हैं। ये हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया और ये टमाटर का पेस्ट बनाया। अब हम अदरक, लहसुन और प्याज के पेस्ट को डाल देंगे। अब गोल्डन होते तक इसको फ्राई करें। इसमें हम थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर। अब हम इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और साथ में थोड़ी मिर्च पाउडर भी डालेंगे। टेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ी सी नमक भी डालेंगे और धनिया पाउडर। कलर के लिए एक चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे। अब मसाला थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम टमाटर के पेस्ट को भी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ी गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लें। अब हम फ्राई आलू को मसाले में डालेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब बीच बीच में हम मसाले को हिलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब हम इसमें पानी डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप अपने हिसाब से कितना भी पानी डाल सकते हैं। अब हम एक बर्तन से इसको ढक चुके हैं। अब हम आलू को दबा के देखेंगे कि आलू नरम हुआ है कि नहीं, और ये भी देखेंगे कि आलू उबला है कि नहीं। अब हम इसमें पनीर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हिला लेंगे। आप अपने हिसाब से कितनी भी ग्रेवी रख सकते हैं। अब हम थोड़ा धनिया का ऊपर में डाल देंगे। आप देख सकते हैं, हमारा पनीर का सब्जी अच्छे से बन चुका है। अब आप इसको रोटी, पराठे, पूरी, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।